वेलकम दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, 10 क्वेश्चन हो गए थे, 11 क्वेश्चन लेते हैं। इंटरेस्टिंग, मैंने पहले भी बताया था कि त्रिकोणमिति बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है, जिसका हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 है cos x इज इक्वल टू cos 60 cos 30 cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट, इसमें एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, एक्स की वैल्यू निकालनी। तो देखिए दोस्तों हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है, वैसा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी सारणी का यूज करना है, उसी टेबल का यूज करना है, उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है आपको। देखिए कॉस एक्स का कॉस एक्स इज इक्वल cos 60, cos 60 का मान टेबल में कितना था, cos 60 का मान जो sin 30 का था कितना था, 1/2 इनटू cos 30, cos 30 कितना था, जो sin 60 का था √3/2 प्लस sin 60 का √3/2 और sin 30 का 1/2। इट्स ओके, देखिए आगे cos x इज इक्वल टू 1 और √3 का मल्टीप्लाई √3, 2 और 2 का 4, √3 और 1 का √3, 2 और 2 का 4। इट्स ओके, अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो एकदम सिंपल हो जाएगा। या तो इसको लेसे लेके कर दो, और या लेसे लेके कर दो, या आपको पता है √3/4 प्लस √3/4 √3/4 सीधी सी बात है। x + x कितना होता है, जैसे x + x हम 2x लेते हैं, सेम है y प्लस y 2y, 5 + 5 उसको 2 × 5 भी कह सकते हैं, 5 + 5 को हम 2 × 5 भी ले सकते हैं। इस प्रकार इसका लेसन नहीं लेना पड़े, इसलिए हम इसको √3/4 + √3/4 सेम है, दोनों नंबर सेम है तो ऐसा लिख देंगे इसको 2 × √3/4। इससे आपको एलसीएम वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 से 4 कितने बार कैंसिल होगा, 2 बार cos x। अब देखिए यहां ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में बस आपको यही ध्यान रखना होगा, यहां आप क्या करोगे, cos x का cos x है बराबर √3/2, ये मान आने के बाद में इस वैल्यू को आपको वापस टेबल में जाना है कि टेबल में √3/2 वैल्यू cos की कहां पर है, ये √3/2 वैल्यू cos में टेबल में कितने डिग्री पे। तो आपको पता है cos 0 का 0 होता है, cos 0 का 1 होता है, सॉरी cos 30 का जो sin 60 का है, sin 60 √3/2 √3/2 अर्थात ये √3/2 टेबल में वैल्यू किसकी है, टेबल में वैल्यू है ये cos 30 की, cos x इज इक्वल टू ये cos 30 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है cos 30, √3/2 लिखो चाहे cos 30 वही बात है, क्योंकि वापस हम टेबल से cos 30 की वैल्यू रखेंगे तो यही √3/2 ही आएगी, तो यही लेने वाला। अब देखिए आगे cos इधर cos इधर cos कैंसिल, या इधर इस इनवर्स में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, या आप तुलना कर सकते हो कि यहां पर थीटा की जगह कितना है x और यहां पर थीटा की जगह 30, cos cos है सेम है, तो तुलना करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, परेशानी हो गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, 11 का दूसरा, वो क्या है, वो है साइन 2x, ये साइन 2x लिया इज इक्वल टू, साइन 2x इज इक्वल टू होता है आपके साइन 60
cos 30, sin 60 cos 30, और आगे हैं माइनस cos 60 इंटू sin 30, माइनस cos 60 इंटू sin 30। आपकी बुक में यह राउंड प्रिंट वर्क है, माइनस वर्क है, नहीं होगा यहाँ पे, या तो कुछ मत मानो या मल्टीप्लाई मान लो, क्योंकि चिन्ह नहीं होता है वहां पे, वहां का होता है अपना। तो इस प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई का है। अब देखिए साइन 2x इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में देखते हुए आपको बतानी है। टेबल में देख के देखिएगा, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 कोस 30 की वैल्यू, जो साइन 60 की वही कोस 30 की, तो इसकी भी कितनी होगी रूट 3/2 माइनस कोस 60 की 1/2 cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की है 1/2 और sin 30 कितनी है 1/2 सीधी सी बात। तो देखिए भाई sin 2x is equal to root 3 और root 3 का मल्टीप्लाई 3 क्योंकि रूट में दो सेम नंबर है अपॉन 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 का 1 2 का 4 sin 2x is equal to दोनों का एलसीएम 4 ऐसे ही निकाल सकते हो क्योंकि नीचे सेम, जब नीचे आपके दोनों के हर में सेम हो तो ऊपर वाले को सीधा घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी जब उनका अपॉन सेम हो या लेसर लेते हो। चार का चार भाग एक बार एक और तीन का तीन माइनस चार का चार में एक बार एक और एक अपना एक साइन 2x इज इक्वल टू 3 में से एक निकालेंगे 2 बटा 4 2 से 4 कितनी बार कैंसिल होगा एक बार एक बटा 2 साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। देखिए दोस्तों अब वापस यहां तक सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 टेबल के अंदर किसकी वैल्यू है, कौन से थीटा में देखनी है, इसी में देखनी है साइन में, ऐसे नहीं कि 1/2 टेबल में हमने कहीं भी देख लिया, नहीं होगा क्योंकि 1/2 तो कोस में भी वैल्यू है साइन में भी है, नहीं हमें देखना है कि और साइन में 1/2 किसकी है, साइन 30 साइन 2x इज इक्वल टू साइन 30, तो साइन 2x इज इक्वल टू साइन 30 आ गया। सॉरी अब देखिए दोनों में या तो तुलना कर दो आप, या आप इसको उधर ले जाओ इनवर्स में होगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा जाए 2x, तुलना करेंगे तो यहां थीटा की जगह है 2x और यहां थीटा की जगह है 30, तो x इज इक्वल टू 30 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 से 30 कितने बार कैंसिल होंगी 15 बार, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, तो कोई दिक्कत, ये हो गया इसका सेकंड नंबर। एक देखिए इसका तीसरा नंबर पार्ट भी है, तीसरा क्वेश्चन भी क्या रहेगा, तीसरा बड़े आसान क्वेश्चन है, याद रहिएगा। रूट थ्री टेन टू एक्स, रूट थ्री टेन टू एक्स इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45 कोस 45 कोस 45 प्लस टू साइन 90। देखिए आगे सॉल्व करते हैं, देखते रहिएगा। रूट थ्री का रूट थ्री, टेन टू एक्स का टेन टू एक्स इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 45 टेबल में देखते हुए बताइएगा, साइन 45 कोस 45 की वैल्यू इक्वल होती है साइन 45 की जगह 1/2 इंटू कोस 45 की जगह 1/2 प्लस 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 लिख दिया। रूट थ्री टेन 2x 1/2 का 1/2 प्लस 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 रूट 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई 2, सेम नंबर है इसलिए रूट हट जाएगा प्लस 2 और 1 का 2 अपॉन में 1, कोई दिक्कत। इसको या तो सीधा कर लो आधा और आधा 1 1 और 2 3, या एलसीएम लेकर करो तो ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप सीधा ही कर देते हैं, इतना नॉलेज तो आपको ही। रूट थ्री टेन टू एक्स बराबर आधा और आधा एक, एक बटा दो और एक बटा दो, हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू 1 और 2
तीन, आधा आधा एक, एक और दो तीन, इट्स ओके। अब देखिए टेन टू एक्स तीन, ये मल्टीप्लाई में देख रहे डिवाइड में हो जाएंगे, और नीचे का रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे रूट तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, परिमेयकार कर देंगे। टेन टू एक्स इज इक्वल टू थ्री और रूट थ्री का मल्टीप्लाई, थ्री रूट थ्री अपॉन रूट थ्री और रूट थ्री का थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, तो टेन टू एक्स इज इक्वल टू क्या बचा रूट थ्री। अब आगे सॉल्व करने के लिए आपको देखना है टेबल में रूट थ्री वैल्यू कौन से थीटा में, टेन थीटा में किसकी होती है, तो टेबल में देखिएगा n किसकी मिलेगी, tan 60 की मिलेगी, tan 2x is equal to tan 60, इट्स ओके। अब देखिए आगे tan से tan कैंसिल, या तुलना करेंगे तो यहां 2x से थीटा की जगह यहां थीटा की जगह 60, तो देखिए x is equal to 60 by 2, तो x is equal to 2 से 60 को काटेंगे कितना निकल जाएगा 30 निकलेगा, ये x की वैल्यू है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए आप, तो ये 11 क्वेश्चन आपके हो गया। देखिए छठवां चैप्टर के लिए केवल और केवल आपको सबसे पहले वो टेबल तैयार करनी होगी, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 12 लेंगे, उसमें भी टेबल की ही आवश्यकता है, उसमें बस प्रूव करना है हमको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 cos 30 प्लस sin 60, cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू लेके आना है हमें रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, ये है क्वेश्चन नंबर, प्रूव करना है इसको, सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में आपको किस प्रकार से करना होता है, ये इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड है, उधर वाली राइट हैंड साइड है, या इसको बायां पक्ष के दो उसको दायां पक्ष के दो, या इसको वाम पक्ष के दो उसको दक्षिण पक्ष के दो, बात देखिए। तो हम इधर वाले साइड को ले लेते हैं सबसे पहले, इसको यदि हमने लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इसका cos 30 प्लस sin 60, कोई दिक्कत दोस्तों, देखिए आगे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, आगे दोस्तों cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 60 की है रूट थ्री बाई टू, प्लस sin 60 की नहीं होती है रूट थ्री बाई टू ही होती है, 1 प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की है 1 बाई टू, प्लस sin 30 की 1 बाई टू। अब देखो या तो इसको एल से लिख लो, नहीं तो सीधा है ये, तो रूट थ्री बटा टू, रूट थ्री बटा टू दोनों नंबर सेम है, प्लस में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू रूट थ्री बटा दो, अरे भाई दो बार है, सेम संख्या ही तो है, तो दो बार है तो उसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू रूट थ्री बटा दो, कि भाई ये रूट थ्री बटा दो ही तो दो बार है, तो इसको लिख दिया दो बार है, बस बात खत्म। अपॉन सोल्व करना, आधा और आधा एक, एक और एक दो, तो ये लिख दिया हमने दो, दो से दो कैंसिल, दो से दो कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा रूट तीन अपॉन में क्या बचा बटा दो, रूट तीन बटा दो, हमारा राइट हैंड साइड क्या है रूट तीन बटा दो, इट्स ओके। तो ये आ गया हमारा जो राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए हम राइट हैंड साइड लेके आगे, और ये हमारा यहां पर क्वेश्चन सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या हम 13 लेते हैं, इसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 13,
चार कोट स्क्वायर 45 डिग्री, चार कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, प्रूव करके लाना आपको माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर ये क्वेश्चन है। उसी प्रकार से दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, क्या लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, ये अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड है चार कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। टेबल से देखते हुए मान फिट कर दो, 4 का 4 इंटू कोट 45 का मान 1, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान, सेक 60 सेक किसका ऑपोजिट होता है कोस का, कोस 60 का मान जो साइन 30 का है 1/2, 1/2 कोस 60 का होगा उसका ऑपोजिट 2, तो उसका ऑपोजिट हो गया 2, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर माइनस साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वही 1/2, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 माइनस 1 बाई 4, 4 प्लस का 4 माइनस का कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस का 1 बाई 4 जो कि आपका क्या है राइट हैंड साइड है, यही आपका राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से आपका हैंस प्रूफ विधि सी तक। कोई दिक्कत आई ऐसे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत किसी की कोई दिक्कत नहीं आई, आपको बस टेबल तैयार करना और इनकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, कैलकुलेशन हमेशा ही आराम से की जाती है, कैलकुलेशन में जल्दीबाजी कभी मत करना, आराम से कैलकुलेशन को मन से दिल से करना। देखिए बच्चों जिसका मैथ में टारगेट रहता है 100/100 उसको ऐसे कभी नहीं सोचना है कि सेम क्वेश्चन में हम दोनों में से एक मिला लेते हैं हमारे को आ गया, बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं पढ़ने से आ गई तो नहीं, मैथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रफ वर्क करना होगा, जितना ज़्यादा रफ वर्क करोगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा और उसको प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से मिलाते रहना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए हमें सबसे पहले देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 1040 का, ध्यान रखना पुरानी बुकों में आपके ये 4 प्रिंट नहीं हो रखा है, ध्यान रखना इसको इज इक्वल टू प्रूव करना आपको 2 sec² 45 माइनस cosec स्क्वायर 90, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे सबसे पहले, इसका ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 को 60 1045 ये लिख दिया हमने वैल्यू, जब तो टेबल से देखते हुए 4 इंटू साइन 30 का वहां देखिएगा कितना है 1/2, साइन 60 का देखिएगा वहां कितना है √3/2, इसका स्क्वायर है तो यहां भी क्या लिख देंगे स्क्वायर प्लस 3 इंटू को 60 का वैल्यू कितना है 1/cos60 का वैल्यू 1/2 और 1045 का 1, इट्स ओके 4 देखिए 2 से 4 2 आ गया, 2
और 1 का मल्टीप्लाई 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 1 एंड 1 क्या हो गया 3 अपॉन 2, 2 से वापस 4, 2 बार क्या हुआ 3 बाय 2 प्लस 3 बाय 2, मतलब सेम वर्ड सेम नंबर दो बार है तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 बटे 2 या लेसे लेंगे तो भी वैसे आएगा 3 प्लस 3 6 बटे 2 या 3, देखिए 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा 3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके देर का है और राइट हैंड साइड को भी हमें सॉल्व करना है इसके अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया तो कितना आया 3 आया, तो इसकी अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड लेने पर इसकी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90, ये है राइट हैंड साइड। देखिए 2 इंटू sec 45, sec 45 की वैल्यू टेबल में देखिएगा sec 45 रूट 2 इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर माइनस cosec 90, cosec 90 का वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 है और उसका भी स्क्वायर 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 माइनस 1, 4 में से 1 निकालेंगे 3, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 3 आया राइट हैंड साइड 3 आया, तो हम लिख देंगे लास्ट में अतः LHS इक्वल टू RHS दोनों आपके सेम आए और दोनों कितने आए 3 आए और ये इस प्रकार से हमारा सिद्ध हुआ ET सिद्धांत। प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा प्रूव हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों हो गया क्वेश्चन नंबर 14, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है भी होती रहेगी चलता रहेगा एकदम सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम आगे के, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है आपका cosec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 sin क्यूब 90 cos 60 इज इक्वल टू 4/3, यह आपका क्वेश्चन नंबर 15 है और उसका सबसे पहले हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें केवल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड अपने आप आएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड cosec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 sin क्यूब 90 cos 60, तो देखिए दोस्तों cosec 45, cosec 45 टेबल में इस कितने है cosec 45 की रूट 2 है तो cosec 45 के लिए रूट 2 लिख दिया, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर मल्टीप्लाई sec 30, sec 30 की वैल्यू कितनी है ये सॉरी 2/√3, sec 30 की वैल्यू है 2/√3 इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, sin 90 sin 90 की वैल्यू 1 और इसका होल क्यूब इनटू cos 60 1/2 सॉल्व कर दो रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का क्यूब 1, 1 इनटू 1 इनटू 1 इनटू 1 इनटू कितना करते जाओ जाए तो यहां पे 1 इनटू 1 इनटू 1 करना है 1 आएगा इनटू 1/2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल क्या बचा ऊपर 4 और 1 और 1 का गुणा 4/3 जो कि आपका क्या है राइट हैंड साइड सिद्धांत। इट्स ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 साइन 60 प्लस
साइंटिस्ट, साइंस आर्ट प्लस साइंटिस्ट। उसके बाद में अकाउंट में साइंस आर्ट माइनस साइंटिस्ट, माइनस साइंटिस्ट इज इक्वल टू 10 साठ प्लस 10 45, अपॉन 10 साठ माइनस 10 45। इसके भी दोनों साइड को अलग अलग से सॉल्व करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड अलग से और राइट हैंड साइड अलग से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड इसका साइन साठ प्लस साइन तीस अपॉन साइन साठ माइनस साइन तीस। लिख दीजिए इसमें साइन साठ, साइन साठ की वैल्यू कितनी होती है टेबल से देखते पता ही आप, रूट थ्री बाई टू प्लस साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू अपॉन साइन सिक्सटी की वैल्यू वही वापस रूट थ्री बाई टू माइनस साइन थर्टी की वन बाई टू। दोनों की अलग अलग एलसीएम ले लिया, टू और टू का एलसीएम से कितना आएगा टू, दो का भाग दो में एक बार, एक और रूट तीन गुना रूट तीन प्लस दो का भाग दो में एक बार, एक और एक का गुना एक अपॉन वापस में दोनों का एलसीएम लेंगे तो दो का एलसीएम दो, दो का भाग दो में एक बार, एक और रूट तीन में गुना अंडर रूट तीन माइनस दो का भाग दो में एक बार, एक और एक का गुना इसके अपॉन में टू है, इसके अपॉन में टू है, दोनों में टू से टू कैंसिल हो जाएगा। या ऐसे मान लो कि ये उल्टा होगा, दो ऊपर जाएगा दो से दो कटेगा, तो क्या बचा ऊपर रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। इसको इतना ही सोच रहा था बस, आगे इसका प्रीमेकर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें तो प्रूव करना है, इसका आंसर नहीं निकालना। अपॉन में अंडर रूट में हम प्रीमेकर कब करते हैं, जब हमें आंसर निकालना होता है, इसका हमें प्रूव करना है। तो ये सेम आया है, ये कहीं उसका आ जाएगा तो हमारा सोल्व हो जाएगा सीधा लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ सीधा रख सकते हैं रूट थ्री टेन के अंदर टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है प्लस ये टेन फोर्टी फाइव की, टेन सिक्सटी प्लस टेन फोर्टी फाइव और टेन सिक्सटी माइनस टेन फोर्टी फाइव, ऐसे भी कर सकते हो, इसी से बोला जा सकते हो। परंतु हम इसका राइट हैंड साइड अलग से लेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब राइट हैंड साइड लेके सोल्व करेंगे हम। और राइट हैंड साइड क्या है आपका टेन सिक्सटी प्लस टेन फोर्टी फाइव अपॉन टेन सिक्सटी माइनस टेन फोर्टी फाइव। टेन सिक्सटी की वैल्यू, 1060 की वैल्यू रूट थ्री प्लस 1045 की 1 अपॉन 1060 की रूट थ्री माइनस 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गए, तो हम लिख सकते हैं अतः LHS इज इक्वल टू आ गया आपका RHS और दोनों में कितना आ गया रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1 और यही आपको प्रूव करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धांत। कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, एकदम सिंपल है। यदि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन मिलाने शुरू करोगे, इसकी प्रैक्टिस आप शुरू करोगे और आपको यदि ये क्वेश्चन आपके मिलने लगे वन बाई वन, तो आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में आपके इंटरेस्ट आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर नंबर 6 है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे मत समझना कि इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें हो सकता है अभी एक एक नंबर के दोनों इसमें से आ जाए, या हो सकता है इस एक नंबर का आ गया एक क्वेश्चन, एक नंबर एक क्वेश्चन आ गया तीन नंबर का। मैंने बताया था एक छह नंबर का क्वेश्चन आता है, छह नंबर वाले क्वेश्चनों में आपके आंतरिक विकल्प आते हैं, मतलब दो क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन मतलब तीन, मतलब एक क्वेश्चन नंबर जैसे 26 या 27 नंबर से आता है, 27 नंबर क्वेश्चन हो गया उसका पहला अलग दे दिया दूसरा अलग दे दिया, तो हो सकता है पहला क्वेश्चन सात ही प्रश्न अलग दे दे और दूसरा ये दे दे तीन नंबर क्वेश्चन, चार नंबर का भी, ये छठो चैप्टर आपके एक नंबर का भी आ सकता है एग्जाम में, मेन बोर्ड एग्जाम में दो का भी आ सकता है, चार का भी आ सकता है। तो इसको आप नॉर्मल ना लीजिएगा, आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये है। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 17, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, टू कोष्टक कोस स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 माइनस 6 कोष्टक साइन स्क्वायर 45
माइनस टेन थर्टी इज इक्वल टू सिक्स, इज इक्वल टू सिक्स। देखिए इसको हम आगे सोल्व करते हैं, यहां पे स्क्वायर ही होगा। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टू कोस तक कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस सिक्स कोस तक साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इसको सोल्व करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को, तो देखिए टू कोस 30 कोस 45 की वैल्यू, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और इसका स्क्वायर इसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर, प्लस टेन 60 की वैल्यू √3 और इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर माइनस सिक्स ब्रैकेट वापस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर माइनस टेन 30, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। देखिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, बड़े आसान होगी। देखिए टू ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2, ये 2 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस सिक्स कोष्टक 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे आपके 1 हमने पुट कर दिया। अब देखिए भाई 2 ब्रैकेट 2 और 1 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार 1 और 1 का गुणा 1 प्लस 1 का भाग 2 बार 2 में देंगे तो 2 बार 2 और 3 का गुणा कितना हो गया भाई 6 माइनस 6, वापस इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, हमें पता है 3 लेंगे 3 में दोनों 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का डबल 6, 6 में 2 का भाग जरूर जाएगा। तो देखिए 2 का भाग 6 में 3 बार 3 और 1 का गुणा 3 माइनस 3 का 6 में 2 बार 2 और 1 का गुणा 2, सॉल्व कीजिएगा 2 इंटू 6 और 1 7 बटा 2 माइनस 6 इंटू 3 में से 2 निकालेंगे 1 बटा 6, 2 से 2 कैंसिल 6 से 6 कैंसिल 7 माइनस 1 मतलब कितना बचा 6, और यही आपका क्या था राइट हैंड साइड आंसर प्रूफ। इतना कोई दिक्कत दोस्तों, आसानी से हो गए, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा हो गया। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 18, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है 10। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका LHS लेने पर sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45, इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम sec 30 की वैल्यू लिखेंगे, sec 30 की वैल्यू देखिएगा वहां पे कितनी है 2/√3, sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस cosec 45 की वैल्यू लिखेंगे हम, cosec 45 की वैल्यू कितनी है cosec 45 की वैल्यू है हमारे पास √2 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हम रख देंगे। उसके बाद में 2 into cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 90 की 1 प्लस tan 45 की 1, तो देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 रूट हट जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर, रूट में सेम संख्या है इसलिए उसका रूट हट जाएगा 2, और ब्रैकेट में 2 से 2 कैंसिल होगा क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो देखिए इनका हम लेस लेंगे तो कितना आएगा 3, 3 का 3 में भाग एक बार 1 और 4 का गुणा 4 प्लस 1 का 3 में 3 और 3 और 2 का गुणा 6 गुणा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 2 2 1 3
चार और छह कितने बच्चों, दस बट्टा तीन गुणा तीन, तीन से तीन कैंसिल, तो क्या बचा दस, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा आंसर शीट हो गया। कोई डाउट दोस्तों, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत आपकी नहीं है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर